वेलकम बैक दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खुश होंगे और अपनी अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ खूब सारी मस्ती कर रहे होंगे। तो पहली बार इस चैनल में एक रिव्यू और अनबॉक्सिंग ब्लॉग करने जा रहा हूँ। नॉर्मली मैं ट्रैवल ब्लॉग्स करता हूँ, आपको पता है, रिव्यू ब्लॉग्स करता नहीं हूँ, लेकिन ये प्रोडक्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो इसीलिए मैंने सोचा आप सबके साथ इसको शेयर किया जाए। तो देर नहीं करते, जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को। तो ब्लॉग को शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कोई स्पॉन्सर्ड ब्लॉग नहीं है। जो भी मैं इस प्रोडक्ट के बारे में आपके साथ डिस्कस करूँगा वो मेरा खुद का रिव्यू होगा, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप भी मेरी तरह एक सोलो ट्रैवलर है, आपको भी अकेले घूमना बहुत पसंद है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जब भी हम पहाड़ में जाते हैं हम सेल्फ़ी तो ले सकते हैं छोटे से स्टिक से, लेकिन अगर हमें बहुत बड़ा वाइड एंगल लेना है तो फिर हम सेल्फ़ी स्टिक से तो ले नहीं सकते, तो हमें किसी को रिक्वेस्ट करना पड़ता है। बहुत सारी सिचुएशन में ऐसा होता है कि सामने वाले को वीडियो या फ़ोटो लेना आता ही नहीं है, तब हम बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो उस तरह की कंडीशन में हमारा काम आता है इस तरह का सेल्फ़ी स्टिक। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ AMZDZ का सेल्फी स्टिक कम ट्राईपॉड, जो रिमोट के साथ आता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, अभी मैंने इसको परचेज़ किया, मैं ट्रिप पे भी लेके गया था तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। तो इसी प्रोडक्ट को हम अभी रिव्यू करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है और सारे प्रोडक्ट की जो फीचर्स हैं मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा। तो बॉक्स को मैंने पहले ही ओपन कर लिया था। बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा इस तरह से एक ज़बरदस्त सेल्फी स्टिक कम ट्राईपॉड, और साथ ही साथ इसके अंदर होता है एक यूज़र मैनुअल कम एक्सटेंडेड वारंटी का एक स्लिप मिलेगा। अगर आप रजिस्टर करते हो तो आगे जाके कुछ दिक्कत होती है तो आप कंपनी से क्लेम कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे यूज़र मैनुअल है, कैसे यूज़ करना है प्रोडक्ट को इसके बारे में भी बताया गया है। तो इसको बंद करते हैं। और एक चीज़ मुझे जो अच्छा लगा, इस बॉक्स की जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, क्योंकि काफ़ी टाइम जैसे अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से सामान आता है तो टूटा फूटा आता है, तो इस बॉक्स की क्वालिटी की वजह से सामान बहुत ही सेफली डिलीवर हुआ है। तो चलिए देर नहीं करते, एक एक करके इसके फीचर्स को जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक, इसके बिल्ड क्वालिटी और इसके वेट के बारे में। तो जैसे ही मैंने इसको हाथ में लिया तो मुझे एक बहुत प्रीमियम जैसा फील आ रहा है, क्योंकि इसमें एक ग्लॉसी फिनिश है जिससे ये इसका जो क्वालिटी है काफ़ी प्रीमियम जैसा लगता है। और साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने एक रिंग जैसा दे रखा है ब्लू कलर का, जिससे इसकी जो फिनिशिंग है, इसका जो लुक है, और ज़्यादा प्रीमियम लगता है देखने में। और होल्ड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे एक टेक्सचर दिया हुआ है जिससे ग्रिप बहुत अच्छी बन रही है, तो बहुत अच्छा एक ग्रिप आ रहा है इससे। और साथ ही साथ ग्रिप को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए यहाँ पे एक स्ट्रैप इन्होंने दे रखा है, जिससे आप इसको ऐसे होल्ड करके आराम से ब्लॉग वगैरह बना सकते हो या फ़ोटो वगैरह ले सकते हो, तो ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, हिलेगा नहीं। और इसके साथ यहाँ पर एक छोटा सा इन्होंने हुक दे रखा है, जिससे आप को इसको हैंग करने के लिए या कैरी करने के लिए काफ़ी इजी रहेगा। इसको आप पेंट के इसमें हुक में कर सकते हो, प्लस कार्गो में या बैग में कहीं पे भी इसको हैंग कर सकते हो, तो उस हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है मुझे, और हाथ में लेते ही बहुत अच्छा फील दे रहा है। चलिए अब बात करते हैं वेट के बारे में। तो वेट की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो वेट मैंने देखा है, वेट किया था 374 ग्राम है, जो कि काफ़ी लाइट वेट है, क्योंकि ज़्यादातर हम जब ट्रैवल करते हैं हमें ज़्यादा सामान लेके जाना पसंद नहीं होता, हम कोशिश यही करते हैं कि कम से कम सामान हो, और ये इतना लाइट वेट है आप बैग के किसी भी कोने में इसको आराम से लेके जा सकते हो, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। पहले बात करते हैं इसके मोबाइल माउंट के बारे में। जैसे ही इसको आप बाहर निकालोगे ये इनका मोबाइल माउंट आ गया, और इसका जो स्प्रिंग है ये दोनों तरफ स्ट्रेस होता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी सारे सेल्फी स्टिक या ट्राईपॉड में दोनों तरफ स्ट्रेस नहीं होता, सिर्फ एक तरफ होता था, तो इसमें दोनों तरफ स्ट्रेस होता है। और इसमें आपका 6 इंच, 6.5 इंच, 7 इंच कोई भी मोबाइल आराम से आ जाएगा। प्लस रोटेशन की बात करो तो ये इस तरह से रोटेट होगा, प्लस इस तरह से रोटेट होगा, तो आप अगर ब्लॉग बनाते हैं तो इस तरह से रखेंगे, और अगर आपको रील वगैरह बनाना है तो ऐसे रखेंगे, तो आपका काम इसे आराम से हो जाएगा। प्लस अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे एक अच्छा सा रबर पैडिंग इन्होंने दे रखा है, जिसके वजह से जब भी आप अपना मोबाइल रखोगे तो वो गिरेगा नहीं, तो सेफ्टी पर्पज़ के लिए ये रबर पैडिंग भी इन्होंने काफ़ी अच्छा दे रखा है, मुझे अच्छा लगा। और फोल्डिंग की बात करें तो ये इस तरह से फोल्ड होगा, और इस तरह से पूरा फोल्ड हो जाएगा। अगर आपको सेल्फी वगैरह लेना है तो ऐसे लोगे आप, और अगर आपको ट्राईपॉड की तरह यूज़ करना है तो इसको ऐसे सीधा रखोगे तो ये इतना फोल्ड हो जाता है। अब बात करते हैं इसके रिमोट के बारे में, क्योंकि ये 5 फीट लंबा ट्राईपॉड है, तो बिना रिमोट के आप काम कर ही नहीं पाओगे, कहाँ इतनी दूर जाके आप हाथ से ऑन ऑफ करोगे, है ना। तो यहाँ पे ये इन्होंने छोटा सा एक क्यूट सा रिमोट दे रखा है, और कंपनी का दावा है कि इससे आप 20,000 फोटोज़ या वीडियोज़ आराम से ले सकते हो, तो सेल चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
और अगर चेंज करना भी पड़ा तो यहाँ पे पीछे में ऑप्शन दे रखा है, आप इसको चेंज कर सकते हो, छोटा सा सेल आता है वो चेंज हो जाता है। तो ये यहाँ पे लग जाएगा ऐसे, तो ये यहाँ पे लग गया। और अगर पेयरिंग की बात करो तो इसमें अगर आप लॉन्ग प्रेस करोगे, यहाँ पे अगर लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपका ये ग्रीन लाइट जलेगा, और मोबाइल पे आप ब्लूटूथ ऑन करोगे तो मोबिलाइज सेल्फी दिखाएगा, ये आपका इमीडिएटली पेयर हो जाएगा। तो पेयरिंग में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, प्लस फोटोज़ और वीडियोज़ भी बहुत ही आराम से ये क्लिक हो जाता है, तो उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी इस ट्राइपॉड और सेल्फी स्टिक में। तो फाइनली इसके लेंथ के बारे में बात करते हैं और खोल के देखते हैं कि कितना लंबा होता है। जैसे ही आप इसको खींचते जाएंगे तो ये 7 times एक्सटेंडेबल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 times एक्सटेंडेबल, एक बहुत ही लंबा 5 feet ट्राइपॉड कम सेल्फी स्टिक बन जाएगा। और जब आप अपना मोबाइल यहाँ पे माउंट करेंगे तो ऐसा लगेगा सामने कोई खड़ा होकर आपका फोटो या वीडियो ले रहा है, जो कि बहुत ही एक अच्छा रिजल्ट देगा। इसके साथ और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पे नीचे एक रबर पैडिंग इन्होंने दिया है नीचे, जिसके वजह से जब ये ज़मीन पे आप रखते हो तो ये बहुत ही अच्छा एक ग्रिप लेता है और हिलता नहीं है, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी। और इसको अगर आप बंद कर देते हो तो इस तरह से आप एक सेल्फी स्टिक की तरह यूज़ कर सकते हो, जो कि 5 feet लंबा है। और इसको अगर आप बंद कर देते हो तो ये छोटा सा कॉम्पैक्ट सेल्फी स्टिक कम ट्राइपॉड बन जाएगा। तो अगर समरी करें इस प्रोडक्ट की तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा एक टेक्चर्ड ग्रिप है, बहुत अच्छा एक रिमोट इन्होंने दे रखा है, प्लस जो मोबाइल माउंट है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि ये बहुत लाइट वेट है और कहीं भी आप इसको ले जा सकते हो, कैरी कर सकते हो। अभी मैंने अपने मोबाइल को इसी ट्राइपॉड पे माउंट कर लिया है। अगर आपकी हाइट 5 से 6 feet है तो आपका जो फुटेज है इस तरह से 10 से 12 फीट ऊपर से आएगा, जो कि एक बिल्कुल ड्रोन जैसा फील देगा। कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर, और शेक वगैरह अगर आप फील कर रहे हैं तो वो भी मुझे बताइए। मुझे तो ऐसा कुछ शेक यहाँ पर होते हुए लग नहीं रहा है, लेकिन जब मैं इसको फाइनली देखूँगा तभी मैं चेक कर पाऊँगा। और अगर आपको ब्रॉड एंगल लेना है तो इस सेल्फी स्टिक से या ट्राइपॉड से आप काफ़ी अच्छे से ले सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी दूर से आपका फ़ोटो या वीडियो लेगा, तो पीछे जितना भी आपका सब कुछ है, सीनरी वगैरह या आपके काफ़ी सारे दोस्त हैं, तो सब कुछ एक ही साथ कैप्चर हो जाएंगे, तो उस हिसाब से ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो ये था एक छोटा सा रिव्यू ब्लॉग AMZ डिजी सेल्फी स्टिक कम ट्राइपॉड के बारे में, जो कि रिमोट के साथ आता है। कैसा लगा ये प्रोडक्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं ट्रैवल ब्लॉगिंग करता हूँ और आपको नई नई जगह घुमाता रहता हूँ। और अब से इस तरह के जो ट्रैवल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो मैं लाता रहूँगा, उसके रिव्यूज़ भी करता रहूँगा। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए और घूमते रहिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।